भूमि कदम की बात करेंगे, माइरोगाइना पार्विफोलिया रूबिएसी का ये प्लांट है। ऑरेंज कलर के आप सुंदर फूल देख पा रहे होंगे साथियों। इसके थोड़े रफ लीव्स हैं और औषधीय गुणों के लिए इसके सुंदर फूल, इसके पत्र, इसकी छाल और इसकी मूल सभी औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आती है। साथियों, पित्त के शमन के लिए वंडरफुल रेमेडी है। इसके फूल का जूस और पत्र का जूस आप अगर सेवन करते हैं तो नेचुरल गैलेक्टोगोक का कार्य करती है, शरीर के मिनरल्स की कमी को पूरा करती है और बढ़े हुए पित्त का शमन करती है। इसकी छाल का डिकॉक्शन बनाकर आप सेवन करते हैं तो मैं समझता हूँ सैकड़ों प्रकार के रोगों की एक औषधि है। हरिद्वार के घाट नंबर 1 से औषधीय पौधे का चयन करके आपके लिए इस जानकारी को कवर किया जा रहा है और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इसको शेयर भी करेंगे। साथियों, ये जो छाल आप देख रहे हैं, इसकी छाल का आप काढ़ा बनाकर सेवन करते हैं तो कई प्रकार के बुखार के लिए हार्मोनल रेगुलेशन को ठीक करते हुए शरीर के कई प्रकार के डिसऑर्डर्स को ठीक करने का कार्य करती है। मेंस्ट्रुअल डिसरेगुलेशन हो उसको ठीक करती है, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो उनको ठीक करने में विशेष सहायक होती है, आर्थराइटिस के कारण स्पाज्म, इन्फ्लामेशन, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, इन सब की जो समस्याएं हो जाती हैं उन सब का निराकरण करती है। धीरे धीरे आर्थराइटिस के पेशेंट को आराम होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों को इसका काढ़ा पिलाना चाहिए और जहां दर्द हो रहा हो वहां पर पत्र का पेस्ट बनाकर ड्रेसिंग कर देनी चाहिए या पुल्टिस बांध देनी चाहिए। देखने में साधारण और सहज आपको लग रहा होगा मित्रों, लेकिन इतने महान ये प्लांट हो सकते हैं हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऑरेंज कलर के इसके सुंदर फूल आप देख रहे हैं, कटिंग के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन हो जाता है। वास्ट थेरापेटिक एप्लीकेशन इस प्लांट का है, पित्त के और पित्त से जुड़े हुए बीमारियों को ठीक करने के लिए। शरीर में इचिंग हो जाती है, घाव भर नहीं रहे होते हैं या इन्फेक्शन हो गया है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, सभी को ठीक करने का कार्य करता है। काढ़ा बनाकर घाव को धोना चाहिए और डिकॉक्शन का सेवन करते रहना चाहिए। एक महीने के अंदर पूरी तरह से हर प्रकार की बीमारी का, पित्त से जुड़ी हुई बीमारी का आसानी से उपचार करता है, ठीक करता है। भूमि कदम हम हिंदी में कहते हैं और रूबिएसी का ये मेंबर है। मलेरियल फीवर हो, बदलते हुए मौसम का बुखार हो या बिगड़े हुए पित्त के कारण अगर बुखार हो तो इसका काढ़ा बनाकर सेवन करना चाहिए। हर प्रकार से सेफ है, इफ़ेक्टिव है, बेटर रेमेडी है। मित्रों, ये प्लांट मीठे पानी के स्रोत के समीप देखने को मिलता है। हमने इसको ऋषिकेश से लेकर मेरठ तक आसानी से देखने को मिलता है। गंगा नहर के किनारे किनारे आप देखेंगे आसानी से प्लांट देखने को मिलता है। रोड साइड आप इसको सुंदर ऑरेंज फूल से पहचान सकते हैं। रफ इसके लीव्स होते हैं, स्ट्रेट मार्जिन्स हैं इसके और इसका सभी प्लांट पार्ट औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आते हैं। आपकी अच्छी सेहत के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसके फल, इसके फूल, इसकी छाल, इसकी मूल, इसके पत्र सभी औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आते हैं। मुख्य रूप से पित्त का शमन करने का कार्य करती है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संवाद कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से, कमेंट करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली जानकारी का, वीडियो का आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कल सुबह 6:30 बजे फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ, नए समाधान के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।